नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीआरएक्स मेडिहेल्थ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्लिक के बारे में, यानी कि लहसुन खाने के फायदों के बारे में, कि जो लहसुन होता है वो कैसे पुरुषों में होने वाली जो सेक्सुअल डिजीज होती है, जो सेक्स संबंधी समस्या होती है, लाइक उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है या प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की समस्या होती है या उनको जो लॉस ऑफ लिबिडो यानी कि कामेच्छा में कमी आ जाती है या उनके स्पर्म काउंट में कमी आ जाती है या उनका बहुत ज्यादा टाइमिंग की प्रॉब्लम है, जिनका बहुत ही ज्यादा जल्दी वीर्य जो है स्खलित हो जाता है, तो इस सभी समस्याओं में कैसे ये जो लहसुन है वो फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, वैसे तो ये जो लहसुन होता है वो बहुत सारे फायदों में यानी कि बहुत सारे इंडिकेशन में काम करता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो पुरुषों में होने वाली समस्याएं हैं उनमें ये कैसे रिजल्ट देता है, यानी कि कैसे बेहतर काम करता है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो इन सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको इस लहसुन के बारे में यानी कि लहसुन के खाने के फायदे के बारे में पता चल सके किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लहसुन होता है इसमें आखिर ऐसे कौन से तत्व होते हैं या कौन से तत्व पाए जाते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो लहसुन है इसकी डोजेस क्या होती हैं, इसको कैसे लिया जाता है, इसको कच्चा लेना चाहिए या इसको भून कर लेना चाहिए, सुबह लेना चाहिए, शाम में लेना चाहिए, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में तथा इसको कब तक यूज करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट के बारे में। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये जो लहसुन होता है इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, विटामिन सी, देन इसके अलावा दोस्तों इसमें मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, फास्फोरस, कैल्शियम तथा इसके अलावा इसमें एलिसिन नामक तत्व पाया जाता है। और दोस्तों, ये जो लहसुन में एलिसिन नामक तत्व होता है ये क्या काम करता है कि पुरुषों में होने वाली जो मेल हार्मोन्स होते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बोलते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करता है, जिससे पुरुषों में जो टाइमिंग की समस्या होती है, जो उनकी टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है, उनका 2 मिनट में ही काम तमाम हो जाता है, तो उसमें ये टाइमिंग बढ़ाने का काम करता है। उसके साथ साथ एक बॉडी में जब भी कोई पार्टनर, फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर जब सेक्स संबंध बनाते हैं तो मेल्स के अंदर उसकी जो पिनाइल ब्लड वसल्स होती हैं, जो पिनाइल एरिया होता है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, नसों के भीतर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो केमिकल होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड केमिकल उत्पन्न होता है, तो ये एलिसिन नामक तत्व होता है, ये इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को उत्पन्न करने का बहुत ज्यादा गुण पाया जाता है। तो क्या होता है, जिससे जो पिनाइल ब्लड वसल्स की जो नसें होती हैं वो खुल जाती हैं और जिससे वो लंबे समय तक इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या से निजात पाता है, प्रीमैच्योर यानी कि शीघ्र पतन की जो समस्या होती है उससे निजात पाता है और टाइमिंग में भी निजात पाता है। इस तरह से ये जो लहसुन है वो मेल्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है तथा जो सेलेनियम होता है, जो इसमें सेलेनियम दूसरा इंग्रेडिएंट पाया जाता है, वो दोस्तों क्या काम करता है कि मेल्स के जो स्पर्म काउंट होते हैं उनको सुधारने का काम करता है, उनकी मोर्टिलिटी, उनकी मॉर्फोलॉजी को बढ़ाने का काम करता है। उसके अलावा जो पुरुष जिनकी सेक्स डिजायर में कमी आ गई है, उनकी कामेच्छा में कमी आ गई है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह से ये जो लहसुन है वो पुरुषों में काम करता है। उसके अलावा वैसे तो ये जो लहसुन है इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी ऑक्सीडेंट गुड भी होते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको बाहर करने का काम करता है। पेट से संबंधित समस्या होती है, अगर लहसुन की 2 कली सुबह खाली पेट खाते हैं तो पेट से संबंधित कोई भी समस्या लाइक कब्ज की समस्या है या उनको डाइजेशन संबंधी समस्या, उसको भी दूर करता है। ये कैल्शियम है तो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके साथ साथ ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसको मजबूत करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो लहसुन है इसको अगर आप नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो पुरुषों में होने वाली जो यौन संबंधी समस्याएं उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये जो लहसुन है इसको
खाने का सही तरीका क्या होता है और इसको कितना खाना चाहिए। तो दोस्तों जो लहसुन होता है इसको भून कर भी खाया जाता है, लेकिन अगर आप यौन संबंधी समस्याओं से ग्रसित हैं और इसको दूर करना चाहते हैं, इससे निजात पाना चाहते हैं, तो आपको इसको सुबह खाली पेट इसकी दो कली, जो लहसुन होता है इसकी जो कली होती है, उसको छील कर हल्के गुनगुने पानी से इसको खा लेना चाहिए। अगर आपको, क्योंकि इसका स्वाद जो होता है वो बहुत ज्यादा बिटर होता है, कड़वा लगता है और इसमें जो स्मेल सी आती है, तो उसके लिए अगर आप बचना चाहते हैं तो इसको आप शहद में डिप करके इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको ले सकते हैं, इसको आप दो कली सुबह और दो कली रात को सोते समय भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी जो डोज है वो ले सकते हैं। और इसको कितने दिनों तक लेना है, तो आप इसको जीवन भर दोस्तों ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं इसके। हाँ, हमने आपको बताया कि इसकी सिर्फ दो कली लेनी है, तो आप इस दो कली से ज्यादा यूज ना करें। अगर आप इसको इससे ज्यादा यूज करेंगे तो फिर आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि लहसुन खाने के क्या क्या फायदे होते हैं और इसको कैसे यूज करना होता है। उसके बाद भी अगर दोस्तों कोई भी आपको क्वेरी रह गई है, आपका सवाल हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।